दोस्तों, कई बार हमारे हाथ में चोट लग जाती है या हमारा हाथ कट जाता है। ऐसे में हाथों से बहुत तेजी से खून बहने लगता है, जो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अगर शरीर से ज्यादा खून निकल जाए तो शरीर में कमजोरी भी आ सकती है। दोस्तों, ऐसे में आप इन खून को रोकने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। खून का बहना बंद करने के लिए तुरंत ही चोट वाली जगह पर बर्फ लगाएं। बर्फ के इस्तेमाल से स्किन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ब्लड क्लॉट्स जमने लगता है। इसके अलावा आप चाहे तो एक कटोरी में ठंडा पानी और बर्फ डालकर भी चोट वाले हिस्से को डुबा सकते हैं। इससे भी खून बहना तुरंत बंद हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद खून का बहना बंद करने के लिए आप टी बैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने के लिए एक टी बैग को पानी में डुबोकर चोट वाले हिस्से पर लगाया जाए। टी बैग में भरपूर मात्रा में टैनिन तत्व मौजूद होता है, इससे भी आपका बहता हुआ खून रुक जाएगा। दोस्तों, अगर इसके बाद आपकी चोट से खून बहना बंद नहीं हो रहा है तो आप फौरन ही एक एलोवेरा के पत्ते को काटकर उसका जेल निकाल लें। अब इसे अपने चोट पर लगा दें। ऐसा करने से फौरन ही खून बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और गाइज, इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन वाली ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।